स्टूडेंट, आज हम पढ़ाने जा रहे हैं क्लास सेवन का हिंदी सप्लीमेंट्री। इसमें चैप्टर थर्ड तक हम आपको पढ़ा चुके हैं। आज हम इसमें चैप्टर फोर अम्बा और भीष्म पढ़ाएंगे। ये बाल महाभारत कथा है। अब हम जानते हैं अम्बा और भीष्म की कहानी। सत्यवती के पुत्र चित्रागन बड़े ही वीर परंतु स्वेच्छाचारी थे। एक बार किसी गंधर्व के साथ युद्ध हुआ, उसमें वह मारे गए। उनके कोई पुत्र न था, इसलिए उनके छोटे भाई विचित्र वीर्य हस्तिनापुर की राजगद्दी पर बैठे। विचित्र वीर्य की आयु उस समय बहुत छोटी थी, इस कारण उनके बालिग होने तक राजकाज भीष्म को ही संभालना पड़ा। जब विचित्र वीर्य विवाह के योग्य हुए तो भीष्म को उनके विवाह की चिंता हुई। उन्हें खबर लगी कि काशीराज की कन्याओं का स्वयंवर होने वाला है। यह जानकर भीष्म बड़े खुश हुए और स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिए काशी रवाना हो गए। देश विदेश के अनेक राजकुमार उस स्वयंवर में भाग लेने के लिए आए थे। राजपुत्रियों को पाने के लिए आपस में बड़ी स्पर्धा थी। इसमें भीष्म पितामह के ने प्रतिज्ञा कर ली थी कि हम राजपाट नहीं संभालेंगे, लेकिन विचित्र वीर अभी उम्र में बहुत छोटे थे तो राज्यकाल गद्दी पे विचित्र वीर बैठे थे, लेकिन राज्यकाल भीष्म पितामह ही संभाल रहे थे। तभी वे जब बड़े होते हैं तो उनके विवाह की चिंता भीष्म को होती है और वे काशीराज की कन्याओं के स्वयंवर में शामिल होने के लिए प्रयास करते हैं। क्षत्रियों में भीष्म की प्रतिज्ञा की प्रतिष्ठा अद्वितीय थी। उनके महान त्याग और भीषण प्रतिज्ञा का हाल सब जानते थे, इसलिए जब वह स्वयंवर मंडप में प्रविष्ट हुए तो राजकुमारों ने सोचा कि वह सिर्फ स्वयंवर देखने के लिए आए होंगे। परंतु जब स्वयंवर में सम्मिलित होने वालों में भीष्म ने भी अपना नाम दिया तो अन्य कुमारों का को निराशा होना पड़ा। जब स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिए हर जगह से राजकुमार आए थे और उस राजकुमारों में जब भीष्म ने अपना नाम दिया तो सारे राजकुमार निराश हो गए। उनको क्या पता था कि दृढ़ व्रती भीष्म अपने लिए नहीं वरन अपने भाई के लिए स्वयंवर में सम्मिलित हुए हैं। उन लोगों को ये नहीं पता था कि वे अपने भाई के लिए सम्मिलित हो रहे हैं। वे लोग समझते थे कि भीष्म स्वयं के लिए सम्मिलित हुए हैं। सभा में खलबली मच गई। चारों ओर से भीष्म पर फप्तियाँ कसी जाने लगी। माना कि भरतवंशी भीष्म बड़े बुद्धिमान और विद्वान हैं, स्वयंवर से इन्हें क्या मतलब। सब लोग तरह तरह की बातें उनको सुनाने लगे, ताना मारने लगे। इनके प्रण का क्या हुआ? जीवन भर ब्रह्मचारी रहने की इन्होंने जो प्रतिज्ञा की थी वह क्या झूठी थी? इस भांति सब राजकुमारों ने भीष्म की हंसी उड़ाई। यहाँ तक कि काशीराज की कन्याओं ने भी भीष्म की तरफ से दृष्टि फेर ली और उनकी अवहेलना सी करके आगे की ओर चल दी। भीष्म इस अवहेलना को सह न सके। उन्होंने सभी राजकुमारों को हराकर तीनों राजकन्याओं को बलपूर्वक रथ पर बैठा लिया और हस्तिनापुर को चल दिए। जब सब लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे, उनकी अवहेलना कर रहे थे, तब उनको ये बर्दाश्त नहीं हुआ और वे उन तीनों कन्याओं को युद्ध करके जीत लेते हैं और वे अपने रथ पे बिठा के ले आते हैं। सौ देश का राजा सालो बड़ा वीर था। काशीराज की सबसे बड़ी कन्या अम्बा उस पर अनुरुक्त थी और उसको मन ही मन अपना पति मान चुकी थी। सार्व ने भीष्म के रथ का पीछा किया और उसको रोकने का प्रयत्न किया। इस पर भीष्म और सार्व के बीच घोर युद्ध छिड़ गया। भीष्म ने उसे हरा दिया, किंतु काशीराज की कन्याओं की प्रार्थना पर उसे जीवित ही छोड़ दिया। उसमें से एक राजा सार्व भी आए थे और वे उनकी काशीराज की बड़ी पुत्री अम्बा को लेके जा रहे थे और उनको भी भीष्म ने हरा दिया युद्ध करके। लेकिन जब ये लोग प्रार्थना करती हैं तो उनको छोड़ देते हैं, मारते नहीं हैं। भीष्म काशीराज की कन्याओं को लेकर हस्तिनापुर पहुँचे। विचित्र वीर्य के विवाह की सारी तैयारी हो जाने के बाद जब कन्याओं का विवाह मंडप में ले जाने का समय आया तो काशीराज की बड़ी बेटी अम्बा एकांत में भीष्म से बोली, गांगे, मैंने अपने मन में सौ देश के राजा सार्व को अपना पति मान लिया था। इसी बीच आप मुझे बलपूर्वक यहाँ ले आए। मेरे मन की बात जानने के बाद आप मेरे बारे में अब जो उचित समझे करें। वहाँ पर अम्बा अपने मन की बात भीष्म पितामह को बताती हैं कि मैं अपने मन से राजा सालो को अपना पति मान चुकी हूँ, अब इसके बाद आपकी जो इच्छा आप करिए। अब हम नेक्स्ट पेज नंबर 8 पे भीष्म को अम्बा की बात
जची। उन्होंने अम्बा को उसकी इच्छानुसार उचित प्रबंध के साथ साल्व के पास भेज दिया और अम्बा की दोनों बहनों अंबिका और अंबालिका का विचित्र वीर्य के साथ विवाह करा दिया। भीष्म अम्बा को राजा साल्व के पास भेज देते हैं उनका प्रबंध करके और इन अंबिका और अंबालिका का विवाह विचित्र वीर अपने छोटे भाई के साथ करा देते हैं। अंबा अपने मनोनीत वर सौभराज साल्व के पास गई और सारा वृतांत कह सुनाया। उसने कहा, राजन मैं आपको ही अपना पति मान चुकी हूँ। मेरे अनुरोध से भीष्म ने मुझे अपने पास भेजा है, आपके पास भेजा है, आप मुझे अपनी पत्नी स्वीकार कर लें। वे जाकर बताती हैं कि हम आपको अपना पति मानते हैं, इसलिए भीष्म ने हमें आपके पास भेज दिया है। पर साल्व न माना। राजा साल्व इस बात को नहीं मानते हैं। उसने अम्बा से कहा, सारे राजकुमारों के सामने भीष्म ने मुझे युद्ध में पराजित किया और तुम्हें बलपूर्वक हरण करके ले गए। इतने बड़े अपमान के बाद मैं तुम्हें कैसे स्वीकार कर सकता हूँ। तुम्हारे लिए अब उचित यही है कि तुम भीष्म के पास जाओ और उनकी सलाह के मुताबिक ही काम करो। बेचारी अम्बा हस्तिनापुर लौट आई और भीष्म को सारा हाल कर सुनाया। उन्होंने विचित्र वीर्य से कहा, वत्स, राजा साल्व अम्बा को स्वीकार नहीं करता। इससे विदित होता है कि उसकी इच्छा अम्बा को पत्नी बनाने की नहीं थी। अब उसके साथ तुम्हारा ब्याह करने में कोई आपत्ति नहीं रही है। पर विचित्र वीर्य अम्बा के साथ ब्याह करने को राजी न हुए। फिर वे भीष्म पितामह विचित्र वीर्य को समझाते हैं कि आप अम्बा के साथ विवाह कर लीजिए जब राजा साल्व उनको नहीं अपनाते हैं तो। लेकिन विचित्र वीर्य इससे इनकार कर देते हैं। बेचारी अम्बा न इधर की रही न उधर की, कोई और रास्ता न देख वह भीष्म से बोली, गांगे मैं तो दोनों ओर से ही गई, मेरा कोई भी सहारा न रहा। अब भी मुझे हर लाए थे, अतः अब आपका यह कर्तव्य है कि आप मेरे साथ ब्याह कर लें। अम्बा ये कहती हैं कि आप मुझे हर कर लाए थे और मेरा कोई सहारा नहीं है, अतः अब आपका यह कर्तव्य होता है कि आप हमसे विवाह कर लें। भीष्म ने उसकी बात ध्यान से सुनी और अपनी प्रतिज्ञा की याद दिलाकर बोले, अपनी प्रतिज्ञा तो मैं नहीं तोड़ सकता। उन्होंने अम्बा की परिस्थिति समझकर विचित्र वीर से दोबारा आग्रह किया पर वह न माना। भीष्म ने अम्बा को फिर समझाया और कहा कि सौभराज साल्व के ही पास जाओ और एक बार फिर प्रार्थना करो। लाचार अम्बा फिर साल्व के पास गई और उसकी बहुत मिन्नतें की, लेकिन दूसरे की जीती हुई कन्या को स्वीकार करने से सौभराज ने साफ इनकार कर दिया। अम्बा फिर साल्व के पास जाती हैं और उनसे विनती करती हैं कि वे उन्हें स्वीकार करें, लेकिन राजा साल्व उन्हें स्वीकार करने से इनकार कर देते हैं। अम्बा इस प्रकार 6 साल तक हस्तिनापुर और सौभ देश के बीच ठोकरें खाती फिरी। उसने अपने इस सारे दुख का कारण भीष्म को ही समझा। उन पर उसे बहुत क्रोध आया और प्रतिहिंसा की आग उसके मन में जलने लगी। भीष्म से बदला लेने की इच्छा से वह कई राजाओं के पास गई और उनको अपना दुखड़ा सुनाया। भीष्म से युद्ध करके उनका वध करने की उसने राजाओं से प्रार्थना की, पर राजा लोग ने तो भीष्म के नाम से ही डरते थे। किसी में इतना साहस ना था कि भीष्म से युद्ध करे। क्षत्रियों से एकदम निराश होकर अम्बा ने तपस्वी ब्राह्मणों की शरण ली। तपस्वियों ने कहा, बेटी तुम परशुराम के पास जाओ, वे तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। तब ऋषियों की सलाह पर अम्बा परशुराम के पास गई। अम्बा की करुण कहानी सुनकर परशुराम का हृदय पिघल गया। उन्होंने दयाद्र स्वर में कहा, काशी राजकन्ये तुम मुझसे क्या चाहती हो। अम्बा ने कहा, ब्राह्मण वीर मेरी प्रार्थना केवल यही है कि आप भीष्म से युद्ध करें, मैं आपसे भीष्म के वध की भीख मांगती हूँ। परशुराम को अम्बा की प्रार्थना पसंद आई। बड़े उत्साह के साथ वो भीष्म के पास गए और उन्हें युद्ध के लिए ललकारा। दोनों कुशल योद्धा थे और धनुष विद्या के जानकार थे भी। दोनों भी ही जितेंद्रीय और ब्रह्मचारी थे। समान योद्धाओं की टक्कर थी। कई दिनों तक युद्ध होता रहा, फिर भी हार जीत का निश्चय न हो सका। अंत में परशुराम ने हार मान ली और उन्होंने अम्बा से कहा, जो कुछ मेरे बस में था कर चुका, अब तुम्हारे लिए यही उचित है कि तुम भीष्म ही की शरण लो। पर अम्बा ऐसी बातों से कब विचलित होने वाली थी। उसने वन में जाकर फिर तपस्या शुरू की और तपोबल से स्त्री रूप छोड़कर पुरुष बन गई और उसने अपना नाम शिखंडी रख लिया। जब कौरवों और पांडवों के बीच कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध हुआ तो भीष्म के विरुद्ध लड़ते समय शिखंडी रथ के आगे बैठा था और अर्जुन ठीक उसके पीछे। ज्ञानी भीष्म को यह बात मालूम थी कि अम्बा ही शिखंडी का रूप धारण किए हुए है, इसलिए उन्होंने
उस पर बाण चलाना अपनी विरोचित प्रतिष्ठा के विरुद्ध समझा। शिखंडी को आगे करके अर्जुन ने भीष्म पितामह पर हमला किया और अंत में उन पर विजय प्राप्त की। जब भीष्म आहत होकर पृथ्वी पर गिरे तब जाकर अम्बा का क्रोध शांत हुआ। अम्बा अपने प्रतिशोध में सबके पास जाती है और जब उसकी इच्छा कोई पूरी नहीं करता है तो वे स्वयं वन में जाकर तपस्या करती है और तपस्या करके वे एक पुरुष का वेश धारण करती है। औरत होते हुए भी पुरुष का वेश धारण करती है केवल भीष्म को मारने के लिए। यह चैप्टर रहा अम्बा और भीष्म का। आपका चैप्टर समाप्त होता है। थैंक यू।